हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। जैसे कि अब राखी आने वाली है, तो राखी की बहुत सारी तैयारियाँ चल रही होगी। ड्रेस कौन सी पहननी है, गिफ्ट क्या चाहिए है भैया से, वो भी थोड़ा थोड़ा सोच रखा होगा। अगर भैया ने पूछ लिया कि क्या चाहिए, तो वो भी आप इजीली बता पाओ कि मेरे को तो ये चीज़ चाहिए है। तो हर चीज़ की हम पहले से प्रिपरेशन करके रखते हैं, तो क्यों ना हम मेहंदी की भी पहले से प्रिपरेशन करके रखें कि हम मेहंदी कौन सी लगवाने वाले हैं। कोई भी त्यौहार हो, मेहंदी उस त्यौहार के लिए बहुत ही ज़रूरी हो जाती है। एक तरह से त्यौहार की एक शान आ जाती है। अगर आपके हाथ में मेहंदी लगी हुई होती है तो फोटोज़ भी काफ़ी अच्छे आते हैं। नहीं, फोटो तो आजकल सबको चाहिए और मेहंदी भी सबको आजकल बहुत पसंद है। तो कुछ ना सिंपल लगवा के, कुछ अट्रैक्टिव सा लगवाए तो कितना अच्छा होगा। नहीं तो चलिए हम उसी तरफ चलते हैं और कुछ अट्रैक्टिव सा डिज़ाइन अपने भैया को जो बहुत पसंद आए वो हम करते हैं, क्योंकि गिफ्ट उसे चाहिए तो उसको पटाना तो पड़ेगा। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। कुछ अच्छा सा डिज़ाइन हम लगाएंगे। सबसे पहले मैंने स्टार्टिंग में लिखा है बेस्ट ब्रो एवर, जो कि हमारे भाई को बहुत पसंद आने वाला है। वैसे तो हम उनसे लड़ते रहते हैं और बहुत सारी लड़ाई होती है, बहुत सारे मनमुटाव होते हैं, पर राखी एक ऐसा त्यौहार है जिसपे सारे मनमुटाव दूर हो जाते हैं, तो इसलिए हम उनको थोड़ा सा पटाने के लिए ये चीज़ हम लिखते हैं। इसके अलावा आप कुछ और भी ले सकते हैं जो आपको पसंद आए। यहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ें ले सकते हैं, आई लव माई ब्रो एंड हैप्पी राखी, ऐसा कुछ भी आप ऊपर लिखवा सकते हैं जो आपको पसंद आए। मैं अपने क्लाइंट से सारी डिस्कशन करके बैठती हूँ कि उनको क्या चीज़ चाहिए है, उनको क्या चीज़ लगवानी है। और ये जैसे कि भाई का त्यौहार है, भाई और बहन का त्यौहार है, तो सबसे पहले हम अपने क्लाइंट से यही चीज़ पूछेंगे कि उनके भाई को वो क्या चीज़ डेडिकेट करना चाहते हैं, वो क्या चीज़ बनवाना चाहते हैं उनके भाई के लिए। तो वो चीज़ मैंने इनसे पूछ ली थी, इनको बेस्ट ब्रो एवर ऐसा लिखवाना था और वो चीज़ मैंने उनको बना के दी है। ठीक है, इसके बाद जो भी इसमें मैंने थीम रखी है, सारा डिस्कशन मैंने पहले उनसे किया है कि उनको क्या क्या चीज़ चाहिए। उन्होंने जो जो चीज़ें मांगी मुझसे, उन्होंने जो जो चीज़ें मुझे बताई, मैंने वो सारी चीज़ें इसमें लेने की पूरी कोशिश करी है। तो इसमें मैंने अपना डिज़ाइन सेट कर लिया है कि मुझे कहाँ पर क्या चीज़ बनानी है। जैसा आप देख सकते हैं, ऊपर साइड मैंने लिखा है और एक साइड में भाई के हाथ में कलाई बांधते हुए एक पूरा सेट बना रही हूँ, जिसमें राखी बांध रही है बहन और भाई की कलाई दिख रही है, राखी दिख रही है। तो ये सारी चीज़ें मैंने पहले से सोच ली थी कि मेरे को यहाँ पे ये चीज़ बनानी है। ठीक है, ये चीज़ करने के बाद नीचे की तरफ भाई और बहन का राखी बांधते हुए पूरा स्ट्रक्चर बनाने वाली हूँ मैं, एंड फिंगर पे मैं हैप्पी राखी लिखने वाली हूँ। अब इसको मैं कैसे सेट करती हूँ, किस तरह से बनाती हूँ, आप भी अगर अपने क्लाइंट को मेहंदी लगा रहे हैं तो आपको उनसे सारा डिस्कशन कर लेना है। अच्छा, क्या क्या चीज़ें हम अपने कस्टमर से डिस्कस करेंगे और किस तरह से हम उनसे बात करेंगे। ठीक है, तो हम उस चीज़ में थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सी बार हो सकता है आपके क्लाइंट से आप बहुत अच्छे से क्लियर नहीं कर पाए और एकदम आपको डिज़ाइन स्टार्ट करनी पड़े, तो उससे बहुत सी बार अपना डिज़ाइन बिगड़ जाता है या ऐसा डिज़ाइन लग जाता है जो क्लाइंट को नहीं पसंद आता। ठीक है, तो ये चीज़ आपके साथ नहीं हो, ये चीज़ आपको फेस नहीं करनी पड़े। तो उसके लिए हमको क्या चीज़ करना चाहिए कि हम अपने क्लाइंट के अकॉर्डिंग अच्छा डिज़ाइन लगा पाए और उसमें आपको भी बहुत खुशी मिले मेहंदी लगाने के बाद और उनको भी बहुत खुशी मिले मेहंदी लगाने के बाद। ठीक है, आपने तो उनको लगा दी, पर उनको भी लगवाने के बाद कितनी खुशी होती है वो भी तो बहुत ज़रूरी है। और अपना क्लाइंट खुश है तो अपनी खुशी डबल हो जाती है, राइट? तो मेरे साथ तो ऐसा होता है, आई होप आपके साथ भी ऐसा ही होता होगा, क्योंकि क्लाइंट की खुशी सबसे बड़ी होती है। ठीक है, तो ये चीज़ें मैंने सेट कर ली है। मैंने अपने क्लाइंट से पहले पूछा आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए हैं। ठीक है, उनसे पूछने के बाद ही हमको सारी चीज़ें डिसाइड करनी होती है। बहुत सी बार हम जो चीज़ें निकाल के लेके जाते हैं, जो डिज़ाइन हम निकाल के लेके जाते हैं, वो उनको नहीं पसंद आती और उनको उनका पूरा सेट अलग ही चल रहा होता है कि मेरे को कुछ ऐसा चाहिए, जिससे बहुत सी बार हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक्चुअल में इनको क्या चीज़ चाहिए है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको नहीं हो, इस चीज़ को क्लियर करने के लिए आप क्या करेंगे, आप पहले क्लाइंट को हर चीज़ को बताएंगे और उस चीज़ को आप उनको पिक्चर के साथ दिखाएंगे कि ये चीज़ आपको ऐसी बनेगी। हर चार चीज़ को सेट करने के बाद आप उनको बोलेंगे कि आपको ये फाइनली पसंद आया, हर चीज़ का स्क्रीनशॉट आपको लेके रखना है कि ये स्क्रीनशॉट है, अपन ये चीज़ें यहाँ यहाँ चीज़ पे इधर इधर साइड पर अपन सेट करने वाले हैं। ठीक है, उनको एक बार आपको एक्सप्लेन करना ही है। आप एक्सप्लेन नहीं करोगे तो हो सकता है आपको बनाने के बाद बिगाड़ना पड़े और आपके लिए तो वो अच्छा हो, बहुत अच्छा हो, पर उनके लिए वो चीज़ अच्छी नहीं हो, उनको वो चीज़ नहीं अच्छी लगे। तो इसलिए सबसे पहले आप उनको डिज़ाइन हर पार्टीशन निकाल के, अगर आप अलग अलग हाथ का डिज़ाइन डिसाइड कर रहे हैं तो अलग अलग हाथ के डिज़ाइन आप उनको बताएंगे कि ये डिज़ाइन अपन ऊपर की तरफ इस जगह बिठाएंगे, ये डिज़ाइन अपन इधर साइड बिठाएंगे। ठीक है, और हाथ में अपन ये चीज़ करने वाले हैं। ज़रूरी नहीं है उनको एक ही हाथ में से हर चीज़ पसंद आए, डिफरेंट डिफरेंट हाथों में से डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइन डिसाइड करना और उसके बाद उनको बताना, ये ज़रूरी है। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि आपको उनको दिखाना कैसे है डिज़ाइन। ठीक है, अब सारी चीज़ें समझने के बाद आपको अगर लगता है कि इस चीज़ को इस तरह से चेंज करना है या आप चेंज करने वाले हो, तो आपको उनको पहले बोल देना है कि इस चीज़ को मैं थोड़ा सा इस तरह से चेंज करूँगी, कोशिश करूँगी कि आप जो बनवा रहे हो आप मैं वैसा का वैसा बना पाऊँ, पर थोड़ा सा मैं इस तरह से चेंज करूँगी। ठीक है, हम जब भी कोई डिज़ाइन उनको लगाते हैं और हम अपने मन से उनको चेंज कर देते हैं, तो एंड ऑफ आपको वो चीज़ अच्छी उनको नहीं लगे और वो आपको बाद में टोक दे के, नहीं मुझे तो वैसा ही करना है, मुझे तो वैसा ही डिज़ाइन चाहिए, तो आपका डिज़ाइन उनको नहीं पसंद आएगा। मेहंदी में ऐसा ही होता है, एक बार अगर सामने वाले को पसंद नहीं आया कोई डिज़ाइन, तो उनके लिए वो पूरी मेहंदी ही ख़राब हो जाएगी, आपकी पूरी मेहनत वेस्ट हो जाएगी अगर उनका कोई भी डिज़ाइन उनको नहीं पसंद आया या आपने उनसे बिना बोले चेंज कर दिया तो। ठीक है, तो इस चीज़ को बहुत अच्छे से ध्यान रखना। अगर आपको किसी परेशानी को या किसी भी प्रॉब्लम को फेस नहीं करना है, तो इस चीज़ को आप हमेशा अपने क्लाइंट से क्लियर करना। हथेली बहुत प्यारी लग रही है, मैंने बहुत ही अच्छे से इन दोनों स्ट्रक्चर को यहाँ पे बनाया है। एक साइड मैंने भाई का स्ट्रक्चर बनाया है, एक साइड मैंने बहन का स्ट्रक्चर बनाया है, उस पर कलाई को बांधते हुए मैंने बहन को दिखाया है और साइड का बैकग्राउंड भी मैं बहुत अच्छे से क्लियरली उसको बनाऊँगी। हर चीज़
बहुत क्लियर बनना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। हर चीज़ पे आपको काम करना है, ऐसा नहीं है कि आपने स्ट्रक्चर बना दिया तो आपका पूरा डिज़ाइन बहुत अच्छा बन गया, ठीक है। स्ट्रक्चर भी उतना ही ज़रूरी है जितना साइट का डिज़ाइन, और साइट का डिज़ाइन अगर अच्छा बना है और स्ट्रक्चर आप सही नहीं बना पा रहे हो तो उस पर थोड़ा सा आपको स्ट्रक्चर पर काम करना है, ना कि आपको साइट के बैकग्राउंड को हटा देना है, ठीक है। हथेली भी थोड़ी भरी हुई ही अच्छी लगेगी, मुझे पर्सनली वैसा ही पसंद है। बाकी आप अपने क्लाइंट से भी डिस्कस करें कि उनको कैसा पसंद है, ठीक है। तो फिलहाल मुझे हथेली थोड़ी थोड़ी भरी हुई चाहिए, मेरे क्लाइंट के लिए थोड़ा भरा हुआ ही हाथ उनको चाहिए था, उनको हथेली खाली नहीं चाहिए थी, इसलिए मैंने ये डिज़ाइन डिसाइड किया। और पूरा डिज़ाइन मैंने बहुत ही बारीकी से बनाने की कोशिश की है, जैसा मेरे क्लाइंट को पसंद था, ठीक है। उनको एक झुमकी का डिज़ाइन भी चाहिए था, उनको हर चीज़ छोटी छोटी चाहिए थी, उनको बहुत बड़ी बड़ी डिज़ाइन से उसको फिल नहीं करना था। तो क्लाइंट की डिमांड को फुलफ़िल करना बहुत ज़रूरी है, अगर वो फुलफ़िल हो गई तो आपका सारा काम, आपका दिन बन जाएगा, राइट। मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, मुझे लगता है कि बहुत सारे जनों के साथ ऐसा होता होगा कि क्लाइंट की डिमांड पूरी हो गई, क्लाइंट खुश हो गया तो अपना भी दिन बन गया। तो मेरे साथ तो बहुत सी बार होता है, ठीक है। तो अभी मैंने अपने क्लाइंट की डिमांड की अकॉर्डिंग ही काम किया है, उस डिज़ाइन को मैंने अच्छे से क्रिएट किया है। साइड की बॉर्डर पे मैंने एक झुमके का डिज़ाइन बनाया है, फिर स्केलअप्स लेके हल्का सा डिज़ाइन डिफरेंट सा लिया है, एंड हल्का सा टेक्स्ट का डिज़ाइन लिया है। हर चीज़ को इक्वली मैंने लेने की कोशिश की है, बारीक मोटा मैंने दोनों ही अच्छे से उसको कवर किया है। स्केलअप्स का डिज़ाइन से मैं फिंगर की डिज़ाइन को कंप्लीट कर रही हूँ। स्पायरल एंड स्केलअप दोनों ही मैंने इधर साइड अंगूठे के तरफ मैंने यूज़ किया है, थंब की तरफ मैंने दोनों चीज़ों का यूज़ करके उसको फिल किया है। ओके, तो ये चीज़ कंप्लीट होने के बाद मैं कुछ चीज़ों को अच्छे से डिस्कस करना चाहूँगी, जैसे कि अगर आप अपने क्लाइंट को मेहंदी लगा रहे हैं तो उसके कम्फर्ट का भी ध्यान रखें कि वो अपनी पोजीशन पे कितना कंफर्टेबली बैठा है। उसका अगर कंफर्ट है, अगर वो अच्छे से बैठा है अपनी जगह पे, तो आप बहुत इजीली मेहंदी लगा लेंगे। पर अगर वो कंफर्टेबल नहीं बैठा है तो वो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत देगा, जिससे आपका क्लाइंट हिलेगा और आप अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए सबसे पहले क्लाइंट से पूछें कि वो कंफर्टेबली बैठा है कि नहीं। क्लाइंट अच्छे से बैठा होगा, उसको अगर कोई तकलीफ़ नहीं हो रही होगी तो आप बहुत अच्छे से काम कर पाएंगे, वो ज़्यादा नहीं हिलेगा, ठीक है। पर अगर आपने सिर्फ अपने काम पे ध्यान दिया, क्लाइंट के कंफर्ट पे ध्यान नहीं दिया, तो हो सकता है क्लाइंट आपसे खुश नहीं हो, और हो भी सकता है कि क्लाइंट बहुत रूड हो जाए आपके साथ, बिकॉज़ वो कंफर्टेबल नहीं बैठ पा रहा है। आपकी मेहंदी बनाना ही ज़रूरी नहीं है, क्लाइंट का कंफर्ट भी उतना ही ज़रूरी है। ओके, तो हर चीज़ को आपको ध्यान में रख के ही काम करना है, ठीक है। मैंने एक लड़की का जो डिज़ाइन रखा है, उसके ड्रेस का डिज़ाइन मैंने चेंज किया है, उसका जो स्लीव्स है उसको मैंने थोड़ा डिज़ाइनर रखा है, आप उसका डिज़ाइन देख के समझ जाएंगे कि मैंने उसको किस तरह से सेट किया है, ठीक है। तो अभी मैं हेयर में काम कर रही हूँ, हेयर उसके जो हेयर्स है उसको अच्छे से मैं दिखाऊंगी, थोड़े से डिज़ाइनर या हल्का सा कट मैं उसमें दिखाऊंगी, ताकि वो अच्छा सा लुक दे। अच्छा, मैं अभी भाई का जो डिज़ाइन है, भाई जो बनाया है मैंने, भाई बहन का ये स्ट्रक्चर है जिसमें भाई का जो मैंने डिज़ाइन बनाया है, उसके हेयर्स पे मैं काम कर रही हूँ, स्ट्रोक शेडिंग के साथ मैं हेयर्स पे काम कर रही हूँ। उसको कंप्लीट करने के बाद मैं उसके पूरा जो शेड है उसका ड्रेस का, वो मैं वर्क करूँगी, जिसमें लाइट डार्क शेड का मैं पूरा यूज़ करूँगी। फिगर डिज़ाइन जब आप बनाते हो उसमें लाइट डार्क के शेड का आप पूरा ध्यान रखेंगे, हर जगह डार्क डार्क करेंगे तो भी उसकी गेपिंग का आप बराबर ध्यान रखेंगे। अभी मैं उसके जो शर्ट है उसमें हल्का हल्का शेड कर देती हूँ, जिससे शर्ट लाइट हो जाए, और उसकी जो स्लीव्स रहेगी, उसके जो शर्ट की स्लीव्स रहेगी उसको मैं डार्क करूँगी, ताकि उसका जो शर्ट का पूरा सेट है वो अलग दिखे, उसके हाथ का स्ट्रक्चर जो मैं दिखाना चाहती हूँ वो भी थोड़ा सा डिफरेंट दिखे। हर चीज़ में आपको इस तरह से ध्यान देना है। मैंने एक फ्रंट फेस बनाया है तो एक 3/4 फेस बनाया है, ताकि दोनों चीज़ में आपको उसमें मैं बता पाऊँ कि किस चीज़ को आपको किस तरह से बनाना है, ठीक है। जिस तरह से मैं इसमें बना रही हूँ उस तरह से ही आपको काम करना है, लाइट डार्क के शेड को आपको ध्यान में रख के ही आगे बढ़ना है, ठीक है। आप अपनी मर्ज़ी से भी अगर उसमें डिज़ाइन डालते हैं तो आप ध्यान रखेंगे कि उसमें लाइट डार्क के शेड का प्रॉपर यूज़ हो, हर चीज़ को बहुत क्लियरली दिखाया हुआ हो, ठीक है। आस्तीन को मैं डार्क करने वाली हूँ, मैंने शर्ट को लाइट रखा है उसको, और मैं उसको अच्छे से वर्क करूँगी। अच्छा, मैं अगर आपको इस तरह से एक्सप्लेन करती रहूँगी तो मैं बहुत अच्छे से काम नहीं कर पाऊँगी, मैं आपको थोड़ा थोड़ा बताती जा रही हूँ, बाकी आपको देख के ही समझना है कि ये चीज़ कैसे बन रही है। मैंने साइड फेस, 3/4 फेस, दोनों पे मैंने आपको अच्छे से काम करना सिखाया है। पहले की वीडियोज़ आप देख सकते हो जिसमें मैंने 3/4 और साइड फेस बताया हुआ है, बहुत अच्छे से उसका एक्सप्लेन किया है मैंने। तो अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ आ रही हो तो आप वो वीडियो देख के ये चीज़ कर सकते हो। इस राखी पर आपको बहुत सुंदर डिज़ाइन बनवाना है तो इसकी प्रैक्टिस अभी से कर लो, इसलिए मैंने ये डिज़ाइन आपको पहले ही राखी के पहले ही आपको बता दिया। आप इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लोगे तो ये डिज़ाइन आप बहुत अच्छे से लगा पाओगे। अगर आप लगवाना भी चाहते हो तो ये डिज़ाइन बेस्ट है, आप बहुत आसानी से ये डिज़ाइन लगवा सकते हो, बहुत खूबसूरत लगती है ये बनने के बाद, हाथ इतने खूबसूरत लगेंगे ना कि आपका भाई बिल्कुल इतना खुश हो जाएगा कि मेरी बहन से ज़्यादा मुझसे कोई प्यार नहीं कर सकता। वैसे तो बहन बहुत अच्छी होती है, एक बहन होना बहुत ज़रूरी है, साथ ही बहन का भाई अगर बहुत केयरिंग है तो वो तो बेस्ट ही हो गया, है कि नहीं। ओके, तो डिज़ाइन मैंने अच्छे से उसको बना दिया है। जीन्स में मैं डार्क फिल करने वाली हूँ, क्योंकि शर्ट को मैंने लाइट रखा है और जीन्स को मैं थोड़ा सा डार्क रखूँगी। ओके, अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसको लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और ये वीडियो अगर आपको बहुत अच्छा लग रहा है तो ये आप मेहंदी बनवा भी सकते हैं, ये आप सीख भी सकते हैं, और अपने
कजिन्स को शेयर भी कर सकते हैं लगवाने के लिए भी और सीखने के लिए भी, है कि नहीं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें जिनको आपको ये वीडियो शेयर करनी है, जिनको आप चाहते हैं कि ये वीडियो वो सीखे बनाना मेहंदी सीखे, या वो ये वीडियो को देख के इस तरह की मेहंदी लगवाए, तो आप जल्दी से इसको शेयर कर दें। मुझे भी बहुत हेल्प मिलने वाली है इस चीज़ से, तो इतना सा तो आप मेरे लिए कर ही सकते हैं। हर चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। मैंने आस्तीन के यहाँ पे जो मेरी स्लीव्स है लड़की की डिज़ाइन जो मैंने किया है उसकी ड्रेस को, उसकी स्लीव्स को मैंने डार्क फिल किया है, एंड उसके बाद मैंने उसको अच्छे से सेट किया और उसमें शेडिंग के साथ उसकी पूरी ड्रेस को मैंने कम्प्लीट किया। सब चीज़ें अच्छे से बनने के बाद आप ध्यान रखेंगे कि आप दोनों को साथ में बना रहे हैं, दोनों ही एक जगह बैठे हैं, इसलिए हम लड़के के पीछे जो बैकग्राउंड बनाने वाले हैं वो भी वही थोड़ा सा बनाएंगे। कोशिश यही करना है कि आप उस चीज़ को सिमिलर बनाएं इधर साइड भी, और याद रहे थोड़ा बहुत चेंज होगा चलेगा, पर कोशिश हम कर सकते हैं उसको सिमिलर बनाने की। वैसा ही झुमका का डिज़ाइन ऊपर बनाना और वैसा ही चेक्स का डिज़ाइन नीचे की तरफ बनाना, ये चीज़ तो हम कर ही सकते हैं, तो कोशिश ज़रूर कर सकते हैं। हो सकता है नहीं भी हो जाता है तो बेस्ट ही है, और नहीं होता है तो कोशिश ज़रूर करनी है उसको एक जैसा बनाने की, ठीक है। तो ताकि वो चीज़ इक्वल दिखे, उस चीज़ को डिफरेंट नहीं दिखाना है। ये दोनों एक ही जगह बैठे हैं, एक ही चीज़ कर रहे हैं, तो हम उस चीज़ को अलग नहीं दिखा सकते हैं। अलग दिखा सकते हैं पर इतना भी अलग नहीं दिखा सकते हैं कि वो डिज़ाइन बिल्कुल ही अलग दिखने लग जाए, ये हाथ बहुत भरा हुआ या वो बहुत खाली हो जाए। सिमिलर चीज़ अपन को करनी होगी, सिमिलर जगह से उसको थोड़ा थोड़ा ब्लैंक रखना होगा जहाँ जहाँ से वो ब्लैंक है, तो वो डिज़ाइन को और अट्रैक्टिव दिखाने में हेल्प करती है। तो वही चीज़ हम इधर कर रहे हैं, सेम उधर जो मैंने डिज़ाइन बनाया है सेम वही डिज़ाइन मैं इधर बनाने वाली हूँ। इसको मैं थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के ये कंप्लीट कर देती हूँ ताकि आपको ये डिज़ाइन मैं जल्दी से पूरी बता पाऊँ। उस डिज़ाइन को हमने कंप्लीट कर दिया है, वो डिज़ाइन बिल्कुल मैंने सेम वैसे ही रखने की कोशिश करी है जैसे मैंने लड़की की साइड बनाई है, वैसा ही मैंने लड़की की साइड भी पीछे की डिज़ाइन को वैसा ही रखा है। फिंगर पे मैंने स्केल अप बनाए हैं छोटे छोटे से, और अब जो है मैं उसको आगे की तरफ सर्कल दे रही हूँ। तीन सर्कल के मैंने राउंड बनाए हैं वन बाय वन, जिसमें हम कुछ वर्डिंग लिखने वाले हैं और उसको हम कैसे सेट करने वाले हैं वो हम देखते हैं। सर्कल बहुत आराम से बनाना है, पार्टीशन करके अगर हम काम करते हैं तो वो बहुत ही अच्छा होता है, तो वही चीज़ हमको इसमें फॉलो करनी है। पार्टीशन करके ही हमको आगे के काम को करना है। सर्कल आप डायरेक्ट बनाने जाओगे तो हो सकता है वो थोड़ा सा बिगड़ जाए या वो सिमिलर नहीं बन पाए, इसलिए हम थोड़ा पार्टीशन के साथ ही काम करेंगे ताकि सर्कल भी अच्छा बने और डिज़ाइन भी बहुत सुंदर लगे, ठीक है। तो सारे सर्कल हम कंप्लीट कर लेते हैं। सर्कल की डिज़ाइन कंप्लीट हो चुकी है, अब हम इसमें एक एक वर्ड लिखेंगे जो कि हम कैपिटल लेटर में लिखने वाले हैं, H A P P Y
कंप्लीट करने के बाद आप उसको जो सर्कल हमने बना रखे हैं उसकी आसपास मैंने स्केलप्स बना दिए हैं। स्केलप्स कंप्लीट होने के बाद आप उसको जो बची हुई जगह है वहाँ पे आप फिल कर देंगे। स्केलप्स आप सर्कल के पास देख लीजिएगा कितनी गेप बची है, उस अकॉर्डिंग आप सेट करिएगा। मेरे इसमें ज़्यादा गेप थी इसलिए मैंने स्केलप के साथ उस डिज़ाइन को कम्प्लीट किया। एंड एक हाथ पर मैंने हैप्पी लिखा है और इधर मैं राखी लिखने वाली हूँ। आई होप आप बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे, मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि मैं फिंगर पर हैप्पी रक्षाबंधन लिखने वाली हूँ, हैप्पी राखी लिखने वाली हूँ। तो वही चीज़ मैं इसमें कर रही हूँ। हैप्पी राखी लिखने के बाद ये डिज़ाइन मुझे इतनी पसंद आई है ना, सच में बहुत ही ब्यूटीफुल सी ये डिज़ाइन बनी थी। ये बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन, मेरे क्लाइंट को भी पसंद आया और ये डिज़ाइन मतलब ऑसम। ये डिज़ाइन आपको कैसा लगा ये जानना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये डिज़ाइन आपको कैसा लगा है। साथ ही अपने नेबर्स, अपने कलीग्स, अपने फ्रेंड्स को ये डिज़ाइन शेयर करना ना भूलें। वंस अगेन हैप्पी राखी, हैप्पी रक्षाबंधन टू एवरीवन।